देखो ये मेरी 2.0, ये मेरी 2.3 और ये इसकी मम्मी और इसकी सिस्टर है। इससे कोई शरीफ है तो फ्रेंड्स वेलकम बैक। और आज मैं जा रही हूँ मामू के घर पे और शायरी आज फर्स्ट टाइम गाड़ी में बैठा है और ये देखो कितना ज़्यादा डरा हुआ है, देखो कितना घबराया हुआ है ये। शायरी ओए अजय घबराया हुआ है बिल्कुल। और ये देखो मेरी कजन आई है पुंसे, हाय टूपी, मेरी 2.0 को बाहर रहने की कोशिश कर रहा है, जरा घबराया हुआ है। अरे ये बोल रहा होगा कहाँ मेरे को लेके जा रही है ये, ओए ऐसे देख ऐसे लड़ ऐसे देख कैसे चिपका हुआ है ये बिल्कुल है ना, ये तो अंधेरा को दिख भी नहीं रहा इसमें। आ चुकी हूँ मामू के घर पे और ये मेरी देखो ये मेरी 2.0, ये मेरी 2.3 तो उनने कोई है। और ये रही मेरी नानी मम्मा, नानी माँ हाय, ये रही मेरी मासी, हेलो मासी, हेलो हेलो हेलो। और मासी इधर ठंडा है, बहुत ठंडा है, इधर ठंडा है पुंछ से ज्यादा, बहुत ठंडा है पुंछ से ज्यादा ठंडा है और क्या। अच्छा बताती हूँ यहाँ हम आ चुके हैं, शायरी इतना डरा है लिटरली रास्ते में, ये देखो हाय बेबी, इसका बेचारा बैठा हुआ, अब देखना अब सुधर गया, अब ठीक हो गया, पर इतना इतना डर रहा था, इतना डर रहा था जैसे पता नहीं कि इसको मैं कहीं छोड़ने जा रही हूँ। इसकी मम्मी को भी मिल, इसकी मम्मी दिखाऊंगी आपको सुबह मैं। ओ ना कर तो ना मैं बोल रही हूँ। तो आज ये डैड जो है ये नीचे आने वाला है, हां एक चार्ज नहीं है ये अब नीचे आएगा, नहीं आना है नहीं जल्दी मेरे को ऐसे फीलिंग आ रही है जैसे हम ट्रेन में चढ़ गई हूँ, मैं ट्रेन के ऊपर वाले डब्बे में यार यहाँ से कितने छोटे, देखो भाई गाइस यहाँ पे सारे कितने छोटे छोटे लग रहे हैं और हम यहाँ से और हम दोनों यहाँ पे बैठ के दोनों चीटिंग करने वाले हैं, इनकी गेम्स यहीं से देखने वाले हैं। कुछ नहीं क्या मैं क्यों दे दे, कितने लोग हैं गले में डाले मामू तनु हरवीर वो कर रहे हैं, कहते मामू नहीं खेल, पापा नहीं खेल सकते गेम, मामू मामू सोच लो, इज्जत का सवाल है मामू, इज्जत का सवाल है। देखो कैसा कैसा जमाना आ गया, लोगों को कन्विंस किया जा रहा है और ये लड़की पता नहीं क्यों खुश है, एक बार भी पोस्ट नहीं बनी फिर भी पता नहीं क्यों खुश है ये। इट्स हर चॉइस फ्रेंड्स, मैं एलिमिनेटेड हो गई हूं, ये सभी अभी खेल रहे हैं, मैं इतनी बेकार गेम खेलती हूं ना पता नहीं क्या कर रहे हैं। चलो गुप्पू को देखते हैं गुप्पू क्या करेगी। ओए 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 की यार लाइट सीधी करो ना मैं दिख नहीं, ओ तू भी एलिमिनेटेड, चल तू भी मुझ पा पीजा, ये इसकी देखते हैं इसका क्या हो रहा है, ये क्वालिफाइड मैन यार, शक्ल उसे तेरी शक्ल है क्वालिफाइड होने वाली, किसी ने जगा लिया तो जगा सकता है, मेरी जारी ऊपर ऊपर क्वालिफाइड, कौन कौन आया, अमीर लोग यार अमीर लोग है? क्या क्वालिफाइड में क्वालिफाइड हो रहे हैं, मैं माँ एक गेम नहीं जीती एक गेम ये नहीं लग रही थी उसकी असली रिफ्यूजियां, तेनू पता है कुत्ता चीख रहा है उसमें भूख लगी है। हाँ सो फ्रेंड्स अभी रात के 12 बज रहे हैं और शायद को भूख लगी है, एक्चुअली उसने आज हमें चिकन बनाया था तो उसने उसकी सी बोन्स खाई थी, सो अभी उसके लिए गरम कर रही हूँ मैं, मुझे आज चून चू कर उसको भूख लगी है, इसको हम थोड़ा सा यम्मी बनाएंगे फिर वो खा लेगा। सो फ्रेंड्स वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग और अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और आज हम जा रहे हैं शहरी की वैक्सीन करो और ये देखा खुश किन्ना है कबाड़िया, हाय सिमी, और इस लड़की की एडमिशन करवानी है आज मैंने अपने कॉलेज,
अभी जा रही हूँ फिलहाल इसको वैक्सीनेशन करवाना है, पहली वैक्सीनेशन है। थोड़ा सा डर लग रहा है मेरे को कि मैंने सुना शायद फीवर हो जाता है, सो चलो देखते हैं क्या होता है इसका नमूने का। देखो मामू कैसे शहरी को मारते मारते लेके जा रहे हैं, चल इंजेक्शन लगवा ले। अरे ना देखना अपने को समझता क्या है ये, देखना बहुत गोली नहीं दी पैरासिटामोल दी, चौथा साल बड़ी शामी होके तो होता नहीं है ना, चौथा साल डेढ़ पास होता नहीं है। मोटा मस्ती करते हो गई झाड़ू गंदी चीजा खाने नहीं कुछ नहीं दें बाहर छे नहीं को अंदर ही है घर छोटी वाली सिस्टर दूसरी वाली दूसरी दोनों सिस्टर है।
ਬੇਟੀ ਸਭ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਮਝਦਾ ਕਿਆ देखना टीसा पता नहीं खुद को समझते क्या कितना बड़ा पता नहीं हो रहा है कितने बड़े बड़े कुत्तों से पंगे ले रहा है देखना पता नहीं समझते क्या खुद को और ये इसकी मम्मी और इसकी सिस्टर है ये कह रही बच्चा इतना ये तो सना भरा है अपने को समझते क्या कितना बड़ा अपनी शेर है ओ आई 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 ओ फैमिली फैमिली ओ नच गया कितना वो है कुछ ऐसी भी अपने डॉग के लिए वैसे कैसे पूरी डिटेल ले रहा है ये लड़का सो फ्रेंड्स मैं रेडी हो चुकी हूँ लड़की की एडमिशन कराने के लिए कौन सी लड़की पीछे कैमरा मैन कैमरा वो मैन है जो मेरी फैमिली में कॉर्नर संग रही है हैव लॉगिन तो सीन अमीर हो गए कि तुसी कॉलेज करना कॉलेज तुम मेनू 24 घंटे रोस्ट करने चक्कर से क्यों पेंदा है परेशानी की है तेनु मेरा बड़ी खुशी बड़ी है फिर लड़की क्या लग रहा है तेरे को बड़ी खुशी खुश हो कॉलेज देख के खुश होगी अभी अंदर भी जाना है आने वाले से अच्छा कोई नहीं जल्दी पता चलेगा देख लो फ्रेंड्स ये रहा इस लड़की का होने वाला न्यू कॉलेज कुड़ी की खुशी बड़ी है जी दीदी क्या बोल रहे थे आप गाइड करो हमारे गाइड बोल रही थी ये स्कूल है यहाँ हर भी यहाँ पढ़ता है ओके और ये कैंटीन है मतलब मिल जाएगा जो कुछ खाना ये ज्यादा अच्छी कैंटीन है वो कैंटीन ज्यादा अच्छी है देखो मोमोज पकौड़े यहाँ पे देखो समोसे खाने पैटी खानी है वो देखो इधर मिल जाएंगे मटर खाने पार्किंग एरिया यहाँ पे ओहो वो हॉस्टल है यस ये भी एक सर है जो जा रहे हैं जीएनएम ये पीछे स्कूल ये कॉलेज है ना स्कूल ये अच्छा ओके ओके स्कूल इधर है और यहाँ पे जब गर्मी होंगी ना यहाँ आम लगेंगे लीचियाँ लगेंगी तोड़ के खा लेंगे ओहो आपने खाई है लगता है हाँ यही तो काम किया है ये हॉस्टल है ये कंस्ट्रक्टेड है मतलब आधा बन रहा है ना पीछे वाला बन गया अभी आगे बन रहा है और अभी पता नहीं हॉस्टल में कोई मिलेगा नहीं मिलेगा बाहर से देख सकते हैं ये स्कूल तेरी लड़की कैसा लगा तेरे को बहुत अच्छा मजा आया बहुत ज्यादा हाय हिमानी और ये भी चलेगा डरपोक डर चुका है और इसको फीवर हो गया है इसको वैक्सीन लगी थी इससे कोई शरीफ है इतना शरीफ बने इतना शरीफ है
पहली बार तो बेचारा घरों बाहर निकले कबाड़ी है ना हमको कबाड़ से मतलब है मैं लग रहा है तेनू लेके जा रहा है अब भी सीधा टूट ला है और ध्यान रखा मेरा गड्डी से जे नहीं 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 सारी सीधा जाने दा थप्पड़ पे से एकदम था था। सो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं घर और मतलब घर आके काफ़ी टाइम हो गया सो मैंने शूट नहीं किया उससे आगे यार भाई बहुत हैक्टिक डे था मतलब पूरा दिन आज पहले शहरी की वैक्सीन थी फिर कॉलेज फिर घर सो ऐसे ही चलता रहा और अभी फ़िलहाल जिस चीज़ का डर था वही हो गया शहरी को फीवर हो गया सो उसको मैंने मतलब पीसीएम थी उसको मैश करके दूध में उसको दिया तो लेकिन वो थोड़ा सा ऐसे ही हो गया थोड़ा से मतलब चुप चुप गुमसुम गुमसुम टाइप का सो उसको अंदर ही रखना पड़ेगा उसके कपड़े वगैरह भी गंदे हो गए पहले शहरी को थोड़ा सा वो करती हूँ क्लीन देन उसके बाद अंदर रखती हूँ क्योंकि आज वो थोड़ा सा ना ऐसे ही गुमसुम टाइप हो गया ये जब शहरी छोटा था ये मैंने तब लाया था चलो थोड़ा और इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं देन फिर उसको अंदर रख लूँगी ओए नो 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 बेबी ऐसे नहीं करना होता है पता है बैड मैनर्स होते हैं निंदर इंजेक्शन लगाया वैक्सीन लगाई है फिर भी तुम अक्कल नहीं है क्या फायदा कोई ऐसे फ्रेंड्स इंजेक्शन वाला कुत्ता इंसान थोड़ा ना बंदा कुत्ता कुत्ता रहता है कोई वैक्सीन वैक्सीन बताओ जिससे इसको अक्कल आ जाए बुखार है फिर भी नहीं किया नचो नच लग रहा है कोरोना लगी COVID-19 थी अच्छा ओके लादी 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 करेंगे लादी करेंगे शाबाश शाबाश बस पकड़ ये दे हाथ बस पेट देखिए उसके ना बिछ गया ना योगा करी करी पतला हो गया इस टाइम देखे सिक्स एब्स मारे हैं सिक्स एब्स पोटी शोटी कर गया फिर तू चेकेंगी तू की सोचते है मेरे को टाइम नहीं होता क्यों नहीं होता 10 मिनट से नहीं होंगे बे छोड़ ना छोड़ इग्नोर कर आप छोड़ी छोड़ दिया थोड़ा प्यार ना आओ शाबाश ये सच्ची एक एक ड्रेस ना एक दिन मतलब एक महीने पर्दे दी रेंज तू बाहर कर दो ओए होए ओए होए हाँ सारे पर्दे उतर गए सारे पर्दे उतर गए अबे गलती ना कर थले उतरी ना सवेरे तक लब नहीं लगे नहीं ना जान लगे क्योंकि वो देखना पीछे अच्छा फिर ये ठीक है जुगाड़ क्या करिए जी ठीक है और ये देख चल बच्चा आज तू मजे कर अंदर है के मजे माए बनी रखी है साले सिट डाउन गुड बस कैसी क्लास पढ़े जी तुसी मैं नर्सरी फेल ये नर्सरी फेल गजब बेइज्जती है तो इसकी एडजस्टमेंट तो होगी वो तो सो गया लेकिन बहुत कम है इसे क्लीन कर लेती हूँ सो होगी क्लीन सो अभी और भी काम कर रहे हैं इतना ईजी लग रहा था ना इतना ईजी से क्लीन नहीं हुआ है सो अभी मुझे अपनी यूनिफॉर्म प्रेस करनी है
और उसके बाद मुझे सोना है, सुबह कॉलेज जाना है। सो मिलती हूँ मैं आपको सुबह ही। सो तब तक के लिए गुड नाइट। सो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, और लेट हो गया सुबह के 10 बजे और मैं अभी उठ रही हूँ। मेरा गुगी ठीक है, पहले मुझे बहुत परेशानी थी रात को, मेरे को नींद नहीं आ रही थी कि इसको ज़्यादा फीवर ना हो जाए, बट नहीं फीवर तो नहीं हुआ, लेकिन इसने गन ज़रूर डाल लिया बाहर और ये बिल्कुल ठीक है। बेबी ठीक है भेजो ना, अभी बिल्कुल अब एक्टिव हो गया। कल इसको थोड़ा सा फीवर था लेकिन अभी बिल्कुल ठीक है। रात को मैंने इसको मेडिसिन दे दी थी PCM, उसकी वजह से वो ठीक हो गया। और मेरे को लगा था इसको वैक्सीन लगने के बाद ये सुधर जाएगा, बट नहीं ये नहीं सुधरेगा। शारी नो, सिट डाउन ओके। नो बेबी ऐसे नहीं करते, सिट डाउन। तो इसी ऐसे ही मैंने अपने बेबी को अपने शायरी को पहली वैक्सीन लगा ली है। सो अभी मतलब ये 3 मंथ्स का होगा, फिर इसको सेकंड डोज भी लगनी है। तो इसी के साथ मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ। तो होप आपको ये मेरा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं न्यू व्लॉग में। सो तब तक के लिए बाय बाय।